जय माता दी मित्रों, मैं तुहाडा पंत भरा फिर आ गया। आज बड़ी निर्जल कास्ती है, मतलब कि कास्ती सबसे बड़ा व्रत। ये देखो बर्फ लाई हुई है यहाँ पे। यार इनको मत देखो, पीछे वाले हीरो को मत देखना, ये चुटकियाँ बेचने वाले हीरो को नहीं देखना। मैं जो दिखा रहा हूँ वही देखना, सिर्फ चुटकियों वाली साइड ध्यान नहीं देना, ये नशे वाले बंदों की से दूर रहना। अच्छा मैं दिखा रहा हूँ आपको भाई, जो लंगर लगाया गया हमारे इंदिरा चौक में, ये हमारे भाई हैं जिन्होंने ये सेवा लगाई हुई है, तो ये सब यहाँ पे सेवा करने के लिए आए हैं। आज बहुत बड़ा व्रत है निर्जल कास्ती का, एकादशी। अगर इस एकादशी का व्रत, साल भर में अगर किसी भी एकादशी का व्रत नहीं रखा भाई, एक दिन सिर्फ आज के दिन ये एक व्रत कर लो इस एकादशी का निर्जल, मतलब बिना जल पिए, तो सारी कास्ती का आपका पुण्य मिल जाता है। यानी कि हर जितनी एकादशी होती है साल भर में, उनका एक साथ इसी में फल मिल जाता है। इसमें लोग बहुत सारा, मतलब खुद प्यासे रह के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाते हैं, पुण्य दान करते हैं। इससे क्या होता है कि बंदे के पाप कम हो जाते हैं। ये देखो यहाँ रूह अफ़ज़ा वाला पानी बनाया हुआ है, चीनी मिलाई हुई है, ठंडा बिल्कुल चिल्ड पानी। तो इससे मैं बता रहा था आपको कि इससे क्या फल मिलता है, जो हमारे कर्म होते हैं किए गए वो ख़त्म, मतलब पाप ख़त्म हो जाते हैं। बर की बॉटलें दी है आज जो हमारे ब्लैक शर्ट में भाई थे, इन्होंने यहाँ पे लंगर का प्रबंध भी करने वाले हैं थोड़ी देर में। तो भाई मैं आप सबको, आज मैं जम्मू गया, ये देखो लंगर लगाया है भाई ने, हमें भी सेवा का मौका दिया, भाई का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ पे मैं इनका इसलिए शुक्रिया करता हूँ क्योंकि हमें भी मौका मिल गया इनके साथ सेवा करने का। और जहाँ तक मैं जम्मू गया, कम से कम भी 30 से 40 लंगर मेरे को रास्ते में लगे हुए मिले, बहुत से लोगों ने सेवा लगाई थी। इससे साल भर हम कमाते ही हैं भाई, अगर एक दिन हम किसी को कुछ बांटते हैं उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, साथ में अपने बुरे कर्म ख़त्म हो जाते हैं, दान हो जाता है, ये दान हमारे पूर्वजों तक भी पहुंचता है। तो जितना हो सके भाई दान करना है। अब आगे एक आपको दिन मिलेगा मकर संक्रांति का, उस दिन भी बहुत से लंगर लगाए जाते हैं, जैसे आज ही लगाया गया लंगर, देखिए मैं दूसरे लंगर में भी आया हूँ कि ये करण मार्केट में लगाया गया था, जहाँ ब्रेड छोले और मीठे पानी का इंतज़ाम किया गया था, और काफ़ी ये सबके साथ उठना बैठना है, तो इसलिए यहाँ भाइयों ने बुलाया था मुझे कि हमारे पास ज़रूर चक्कर लगाना। तो बता दूँ भाई, जहाँ भी आपको मौका मिलता है ऐसी सेवा करने का, वहाँ सेवा करो। तो ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करने से क्या होता है कि आपके थोड़े पाप दूर हो जाते हैं, साथ में पुण्य हो जाता है और आपकी छवि भी अच्छी बन जाती है। तो ठीक है भाई, लंगर खाते हैं, जय माता दी, फिर मिलेंगे।